जुहैब क्या देख रहे हैं? नए किराएदार आए नीचे। तो इसमें नया क्या है भाई, रोज नए लोग आते जाते रहते हैं। नया ये है मेरे भाई कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई है। चलो अच्छा है, अपना मन भी लगा रहेगा। ये अंकल आंटी की शक्लें देख के तो मैं पाकी गया था यार। आंगन में नया फूल खिला है, खुशबू तो आएगी। ओए अपनी भाभी के ऊपर बुरी नजर नहीं रखते, समझा? अबे वो भाभी होगी तेरी, पहले मेरी नजर पड़ी है उस पे, मेरा हक है, है नहीं भाभी? अच्छा चल, ना तेरी ना मेरी, जिसने पहले सेट कर ली उसकी। हाँ अपना तो यही फॉर्मूला है यार। सुहेब तेरे पास वैसे ही इतनी लड़कियां हैं यार, तू इसको मेरे लिए छोड़ दे भाई। बंदे का हुनर है हुनर। तू शहर में जॉब करने के लिए आया है या लड़कियां सेट करने? टाइम पास भी तो करना होता है ना। वैसे रूद साहब कह रहे थे कि किराया देना, मैं तो कहता हूँ और सलाम को साथ रख लेते हैं, तीन लोगों में किराया डिवाइड हो जाएगा, क्या कहता है? नहीं नहीं भाई, मुझे इस खिचड़ी में रहना होता ना, मैं हॉस्टल में रह लेता, यहाँ तेरे साथ रूम शेयर नहीं करता। तेरे भी मसले खत्म नहीं होते तेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्र है अल्लाह का, किचन तो सेट हो गया। अब ये सब इंशाल्लाह सब कुछ सेट हो जाएगा अम्मी, आप परेशान ना हो, फिक्र ना करें। अम्मी अम्मी देखिए, मैं आपको मना कर रही थी ना, आप अकेले किचन सेट ना करें। देखा आप थक गई ना, मैं आपके साथ करवा देती। तुम क्या क्या करोगी बेटा, सुबह से तो लगी भी हो तुम काम। चले अब आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अच्छा लीजिए अम्मी, पानी पिए। इतना सारा सामान बिखरा पड़ा है, मेरे ख्याल से तो एक हफ्ता लग जाएगा इसको ठीक करते करते, है ना? मालिक मकान ने तो इतने आराम से कह दिया कि घर खाली कर दो, घर बनवाना है। दूसरों को कितनी परेशानी होती है इसका उसे अंदाजा नहीं। लेकिन बेटा शुक्र करो कि इतनी जल्दी हमें घर मिल भी गया, वरना एक अकेली औरत का घर तलाश करना कोई आसान काम थोड़ी है। बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई। काफ़ी चीज़ें सेट हो रही हैं, बस सोफे कर लूँ तो ये जगह भी हो जाएगी। नहीं नहीं रहने दो ना, बस अब बहुत हो गया आज के दिन का, कल कर लेंगे, मैं बहुत थक गई हूँ बेटा। नहीं अम्मी, हमें आज ही कर लेना चाहिए, कमरे वैसे ही सेट नहीं है। अगर हमारे मोहल्ले से कोई आ गया तो फिर कहाँ बिठाएंगे उन्हें, सोफे कर लेते हैं। अरे मैं सोफे देख लेती। अरे नहीं बेटा ठहरो, मैं तुम्हारी मदद कर। नहीं अम्मी आप मेरी मदद नहीं कर सकती, आपको सांस का मसला है ना, मैं नहीं चाहती कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, और वैसे भी फिर मैं अकेले किस तरह से ये सब कुछ देखूंगी। इसीलिए तो तुमसे कहती हूँ कि घर से बाहर निकला करो, बाहर की दुनिया देखो। लेकिन तुम हो के घर के अंदर इतनी घबराई रहती हो। मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है, इसके लिए आप हैं ना। अरे बेटा तुम समझती क्यों नहीं हो, मैं हमेशा तो नहीं रहूंगी ना। नहीं नहीं प्लीज इस तरह की बातें ना किया, वरना मैं रोऊंगी। रोने की क्या बात है इसमें, तुम ये सोफे वोफे नहीं लाओगी, मैं देखती हूँ बाहर कोई मिल जाए उसको बुला के लाती हूँ, हमारी मदद कर देगा। ठीक है मम्मी, हिलाना मत कुछ। यार आज तो मैनेजर पागल ही हो गया था, छोड़ ही नहीं रहा था। अबे तो ऐसी थोड़ी हो जाती है भाई प्रमोशन। तुम्हें क्या लगता है हमारी प्रमोशन होगी? फहीम को नहीं देखा किस तरह आगे पीछे घूमता रहता है भाई, उसका नाम ही जाएगा। सुनो बेटा। जी आंटी, कोई काम है आपको? वो हमारे घर में कोई मर्द नहीं है ना, इस वजह से
आप हमारी मदद कर देंगे बड़ी मेहरबानी होगी। मेहरबानी की क्या बात है, हम कर देते हैं ना। आइए प्लीज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बैग यहाँ रख दें। जी जी। अरे 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 आंटी क्या कर रही है आप, छोड़े 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 छोड़े, आप इधर आ जाएं, हम कर लेंगे, आप आ जाएं। कोई बात नहीं, मैं रख देता हूँ ये। सही है, अब और कोई काम है तो आंटी बता दें, हम कर दें। अरे नहीं बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का, अगर तुम लोग ना होते तो पता नहीं हम दोनों माँ बेटी कैसे करते ये सारा काम। आंटी घर में कोई और नहीं है क्या? नहीं बेटा, हम दोनों के अलावा इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। उनके अब्बू की 4 साल पहले डेथ हो गई और अल्लाह ने बेटा नहीं दिया मुझे को। ओह सॉरी, बहुत अफसोस हुआ। हमारा रिश्तेदार भी कोई नहीं है बेटा, इनके अब्बू और मैं कजन्स थे एक दूसरे के, तो और अकेले थे हम लोग, दोनों इकलौते थे। इस तरह से हम दोनों की शादी हो गई और अल्लाह ताला ने औलाद भी एक ही थी, बस इसी में उसकी कोई मसलियत होगी। अरे ऐसे क्यों कह रही हैं आंटी, आप अकेली थोड़ी हैं, पड़ोसियों का भी उतना ही हक होता है। आपको कोई भी काम हो आप मुझे बुलवा लीजिएगा। और जुहैब ना मिले तो आप मुझे बुलवा लीजिएगा, हम लोग ये ऊपर वाले पोर्शन में ही रहते हैं, साथ ही रहते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, आप दोनों भाई हैं? नहीं आंटी, दोस्त हैं, भाई थोड़ी है। हमारी फैमिली असल में शहर से बाहर होती है, हमारी जॉब शहर में, इसलिए ऊपर वाला पोर्शन लिया। अच्छा अच्छा, आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई बेटा, और आपकी मदद का बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या ज़रूरत है, ये तो हमारा फ़र्ज था। खैर अब हमें इजाज़त दीजिए, चलें जुहैब। हाँ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप लोग, चाय पी के जाइएगा, सुबह जाओ ना बेटा, चाय बनाओ। नहीं मैं चाय नहीं पीता। हाँ आंटी ये चाय नहीं पीता, लेकिन मैं पी लेता हूँ, मैं पी लूँगा, तुम चले जाओ, मैं आता हूँ चाय पी के। जल्दी आना। जा बेटा चाय बना। अभी लाती। बैठो बेटा। अरे नहीं मैं कर लूंगी, ओहो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ये देखे ना हो गया। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत काम कर दिया हमारे, शुक्रिया। बैठो। आप भी बैठो। यार अम्मी आप बार 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 मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ जाती हैं? अभी मुझे कुछ पैसे जमा करने हैं, फ्लैट लेना है, अभी जिस किराए के फ्लैट से जान छुड़ानी है ना। हाँ नहीं अम्मी देखें मेरी बात सुने, अगर मेरी प्रमोशन हो गई ना तो घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, ये सारे अखराजात मेरे सही हो जाएंगे। हाँ तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, अब्बू को समझाएं, उनसे बात करें, ये मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, सभा के लिए कर रहा हूँ। अच्छा ना, अच्छा चले मेरी बात सुने, मैं अब इस बार आऊँगा ना तो फिर कर दीजिएगा मेरी मम्मी उसके साथ, ठीक है? खुश? ठीक है अम्मी, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर मैं करता हूँ बात। ओके अल्लाह हाफिज़। लगता है तेरी मैनेजर के साथ सेटिंग पक्की हो गई है, जब ही इतना पुरउम्मीद नजर आ रहा है। अरे यार उम्मीद पे दुनिया कायम है मेरे भाई, जो महीने भर से मैं उसके आगे पीछे चक्कर काट रहा हूँ ना, उसी का नतीजा है। यस सर यस सर यस सर, हर बात पे। एक बार मेरी प्रमोशन हो गई ना, मैनेजर को उसकी औकात याद दिला दूंगा। क्या हो गया भाई, ऐसे क्या देख रहा है? यार जुहैब तू हर इंसान को अपने मतलब के लिए यूज करता है, ये कोई अच्छी आदत नहीं है। अबे भाई बस कर दे यार अपने लेक्चर देना बार बार, किसी को यूज करता है, दुनिया को देखा है तूने कितनी मतलब ये है, और मैं तेरी तरह ना शरीफ नहीं बन सकता। वैसे भी तू प्रमोशन का नाम दे के अब मैं इंतजार करता रहूं। हाँ भाई शरीफ तो तू बिल्कुल भी नहीं है, एक तरफ तूने अपनी खाला की बेटी के साथ मंगनी कर रखी है, ऑफिस में तू नाजिश के साथ चक्कर चला रहा है, और जो टाइम बच जाता है वो तेरा जमीला खाला के घर पे गुजरता है, उनकी बेटी को पागल बना रहा है तू। अबे यार वो नाजिश चाहिए थी मैनेजर की, करना पड़ता है भाई, और मोहल्ले में भी तो दिल लगाना पड़ता है, टाइम कैसे पास हो रहा है। तू नहीं सुधरेगा। जा सुन, किसी अकलमंद इंसान ने कहा है ये कॉफी अकेले पीने से बदहजमी हो जाती, और किसी उससे भी ज्यादा अकलमंद आदमी ने कहा है कि इतनी सारी लड़कियों के साथ चक्कर चलाने से ना कोई मुसीबत गले पड़ जाती है।
नहीं लाता है हमेशा यार तू। अरे खारा, तबीयत ठीक है आपकी? नहीं बेटा, सांस फूल जाती है चलते चलते। वो सांस की बीमारी है ना, मैं जल्दी थक जाती हूँ। लाए मुझे दे दे खाला। नहीं बेटा, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ले जाऊंगी। क्या हो गया खाला, आपका बेटा सामने खड़ा है और आप इस तरह की बातें कर रही हैं। लाए मुझे दे दे, अच्छा थोड़ी लगता। अच्छा बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत नेक बच्चे होते हैं। आजकल के ज़माने में ऐसे बच्चे कहाँ होते। तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छी तबीयत की है तुम्हारी बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया खाला। वैसे दुकानें बहुत दूर हैं यहाँ पे, आपको कुछ चाहिए हो मुझे बता दिया करें, मैं ले आऊँगा। अच्छा नहीं लगता ना बार बार तुम्हें तकलीफ देना। खाला ये कैसी बात कर दी आपने, एक पल में बेटा कहा और दूसरे पल में पराया कर दिया। अच्छा बेटा अच्छा ठीक है, कुछ मंगाना होगा तो तुम्हें बता दिया करूँगा। लेकिन बेटा अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि हम बार बार तुम्हारे दरवाजे पे आए, लोग क्या कहेंगे हैं? खाला आप मेरा नंबर रख लेना, आपको कुछ मंगाना होगा आप मुझे बता दीजिएगा। बल्कि मैं एक काम करूँगा ना, ऑफिस से आके आपके घर आ जाऊँगा, आपको कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ले आऊँगा। तुझे पता है अमीला खाला ने खुद सोफिया को बोला कि मेरा नंबर ले ले। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है तुम्हें आसानी से उसका नंबर मिल गया मुझे। हाँ मैं देख रहा था कितनी शराफत के साथ तू पेश आ रहा था सोफिया के साथ। चार मरतबा फोन कर चुकी है तुझे, मेरे पास भी कॉल आई थी, पूछ रही थी जुहेब कहाँ है। तू नताशा का फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अबे उठा लूंगा। हाँ भाई नई कली मिल गई है ना, पुराने फूल अब कहाँ पसंद आएंगे। हाँ वैसे कह तो तू ठीक रहा है, तेरे भाई ने लड़कियां बहुत देखी हैं यार, लेकिन सोफिया में कुछ अलग ही बात है यार। वैसे ये सोफिया ना बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, जमीला खाला बता रही थी ये घर से ज्यादा बाहर भी नहीं निकलती। देखना पड़ेगा भाई अब ये मछली कब फंसती है जाल में, देखना पड़ेगा। चल यार बहुत हो गया, लाइट बंद कर दे, नींद आ रही है मुझे। क्यों लाइट क्यों बंद कर दे, वैसे तो रात भर फोन पे बात करता है, अब तुझे नींद आ रही है। अरे यार क्या हो गया तुझे, भाई मेरी माँ की तरह ताने देना क्यों शुरू कर दिए तूने? तेरी माँ को पता चल गया ना तू यहाँ पे जॉब के साथ और क्या करता फिर रहा है, फौरन तेरी शादी करवा देंगी तेरी खाला की बेटी के साथ, क्या नाम था सबा। ए भाई मेरी बात सुन, लाइट बंद करनी है ना, नहीं कर, नहीं बकवास बंद कर ले। खाला खाला। हाँ जुहेब बेटा। जी आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ। ये वो मैंने बिल पे कर दिया था, कोई और काम है तो आप मुझे बता दें। अरे नहीं बेटा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, और कोई काम नहीं है। अच्छा खाला मैं चलता। नहीं नहीं ऐसे कैसे जा सकते हो, तुम खाना खा के जाना ना, सोफिया ने बिरयानी बनाई है आज। बिरयानी मेरी फेवरेट है बिरयानी तो। पता है मैं तो बाहर का खाना खा खा के वैसे ही तंग आ गया हूँ, तो नसीब में ही नहीं होता घर का खाना। अरे ऐसी बात क्यों कर रहे हो, जब तुम्हारा दिल चाहे घर का खाना खाने को हमारे यहाँ जाया करो, चलो आओ बैठो। सोफिया। जी अम्मी। सोफिया बिरयानी तैयार हो गई? जी अम्मी बस दम पे 5 मिनट में 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। कोई मसला नहीं मैं इंतजार कर लूंगा। अम्मी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अम्मी आप खाने से पहले की दवाई खा लें ताकि मैं खाना लगा दूँ। अरे बेटा मैं तो भूल ही गई थी, बस अभी खा लेती। सोबिया याद आया मुझे, वो तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो गया था ना, तो ज़ुहेब को दिखा दो, शायद तुम्हारी हेल्प कर सके। हाँ हाँ आंटी क्यों नहीं, क्या हुआ आपके मोबाइल को? पता नहीं क्या हो गया, कॉल करती हूँ तो कॉल लगती नहीं है। तो आप मुझे ला के दिखा देना, चेक कर लो। मैं लाती हूँ। इतनी सीधी सादी है मेरी बेटी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इसको मोबाइल इस्तेमाल करना भी नहीं आता। आजकल के दौर में इंसान को सब कुछ सीखना चाहिए ना, लड़कियों को तो हर काम आना चाहिए, लेकिन नहीं। मैं देख रहा हूँ। अरे तो उसकी सेटिंग ही आउट हुई है। अच्छा बेटा तुम इसको जरा अच्छी तरह से समझा देना, ताकि आइंदा कोई खराबी हो ना तो ये खुद ठीक कर ले। जी जी आंटी मैं समझा दूँ। मैं दवा खा के आती हूँ। ये देखें आपने इसकी सेटिंग, आप बैठ जाना मैं आपको बता देता हूँ। ये देख रही हैं आप ये वाला ऑप्शन? जी। इस पे आपने क्लिक किया, अब ये ऑफ हो गया, पीछे गए, ये सेटिंग ठीक हो गई, नेटवर्क भी आ रहा है। नहीं समझ नहीं आ रहा। इतना इजी तो है, ये देखें ये पीछे गए, आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये बैक किया, बाकी आ गया। हाँ आप करके दिखाएं। अरे ये तो बहुत आसान है, हो गया। सही हो गया, दिखाएं। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे आपसे एक बात पूछूं सोबिया? जी पूछिए। आप इतनी अकेली अकेली और उदास सी क्यों रहती हैं? अगर आपको कोई काम हो तो आप मुझे कह सकती हैं, मुझे अपना दोस्त भी समझ सकती हैं। मैं किचन से आती हूँ। कहाँ मर गया यार ये, फोन भी नहीं उठा रहा, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ओहो आ गए जनाब, आप खाना लेने के लिए गए थे या खाना पकाने गए थे? वो खाना है किधर? यार सॉरी यार, मैं तेरा खाना भूल कर आ गया यार, याद ही नहीं रहा। तू मेरा, तुझे पता है मुझे भूख बर्दाश्त नहीं है और तू खाली हाथ चला आया। अरे यार वो रास्ते में जमीला खाला मिल गई थी। हाँ तो? तो उन्होंने जोर जबरदस्ती की, मैं उनके घर चला गया, वहाँ पे खाना खा लिया मैंने। मतलब आज खाना बनाने की बारी तेरी थी और तू खुद किसी और के घर खाना खा के आ गया? कमाल है भाई, बहुत खिदमतें हो रही हैं। यार सोफिया ने अपने हाथ से बिरयानी बनाई थी, कह रही थी रुक जाए खा के जाइएगा, मेरा मूड नहीं था उसको ना बोलने। हाँ अच्छी तरह से जानता हूँ तेरे मूड को। एक बात बोलूँ, बड़े अरसे बाद किसी लड़की के हाथ का खाना खाया है, मज़ा आ गया। और क्या खाना बनाती है वो, क्या बात है उसके खाने की। मुझे तो लगता था वैसी कोई खामोश तबीयत टाइप की होगी, कसम से बड़ी बातें करती हो। अच्छा सच में क्या बातें की? अरे यार यही कि मैं बहुत अकेली हूँ, आप मेरे दोस्त बन जाए। ऐसी लगती तो नहीं है। अबे सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, और वैसे भी तेरा भाई कोई कम है, इतना हैंडसम हूँ और कोई दोस्त बनना चाहता है? यार वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तू इंतहाई बेशरम इंसान है, तू अकेले अकेले खा के आ गया, मुझे भी बुला लेता यार। अबे भाई समझ, प्राइवेट बातें चल रही थी हमारी। यार तू बहुत चलाक है यार, तेरे पास तो इतनी सारी लड़कियां हैं यार, एक लड़की मेरे पास आने देता तो तेरा कुछ जा रहा था। हाँ जा रहा था, ले आता हूँ अभी बर्गर या कढ़ाई, बैठ तू। बर्गर लेके आ रहा। अम्मी अम्मी वो मोटर काम नहीं कर रही है, समझ नहीं आ रहा उसको किस तरह से स्टार्ट करूँ, इतनी कोशिश की है स्टार्ट नहीं हो रही। मैं गई थी सुबह प्लम्बर को लेने के लिए, मुझे मिला ही नहीं कहीं,
नई जगह ना, कुछ नहीं पता कहाँ क्या चीज होती है। सोच रही हूँ आदिल से या जुहेब से कह दूँ, हो सकता है उन्हें मिल जाए कोई प्लम्बर। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। और वैसे भी अम्मी अगर पानी नहीं आया तो घर के सारे काम रुक जाएंगे, किस तरह करेंगे। क्यों परेशान हो रही हो उतना, कह तो दिया उन बच्चों से, कह दूंगी कर देंगे काम। अच्छा ठीक है, आपने दवाई ले ली? हाँ हाँ खा ली मैं। वैसे अम्मी यहाँ के मोहल्ले वाले कितने अच्छे हैं ना, हमारा कितना ख्याल रखते हैं। आप ऐसे ही परेशान हो रही थी, सब इतना ख्याल रखते हैं, इतने अच्छे हैं। अच्छा किया हमने कि वो घर छोड़ दिया, वो मालिक मकान वैसे ही इतनी बदतमीजी करता था। हाँ बेटा, अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है कोई ना कोई। अब देखो यहाँ पे ये कितना अच्छा बच्चा हमें मिल गया है, जुहेब कितने काम कर देता है हमारे, वो बड़ा सुकून है उसकी वजह से। बहुत ही बाद अब सोचा वाला हेलो जुहेब, अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कैसे? तुम परेशान नहीं हो, मैं भी आ रहा हूँ। क्या हुआ, क्या है? वो आंटी की तबीयत खराब हो गई यार। आंटी सॉरी, सुने तो सुने दो, ये मेडिसिन आंटी को दे देना दूध के साथ, तबीयत बेहतर हो जाएगी। अरे तुम रो क्यों रही हो? देखो परेशान नहीं हो, आंटी मेडिसिन खाएंगी तो तबीयत काफी बेहतर हो जाएगी उनकी। मैं बहुत डर गई थी सुहेब, अम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। इतनी बुरी हालत अम्मी की जिंदगी में कभी नहीं हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं तो यहाँ किसी अस्पताल को भी नहीं जानती, अगर आप नहीं होते तो मैं क्या करती। इसलिए तो मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, जब भी आंटी की तबीयत खराब हो आप मुझे बुला लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलता हूँ। अरे बेटा रख दो, अभी दिल नहीं चाह रहा। बैठो। देखो मेरी जान, मैं तुमसे कहती हूँ ना कि बाहर निकलो, दुनिया देखो, ताकि तुम्हें कुछ पता चले। वो तो अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दे दी कि तुमने जुहेब को बुला लिया, वरना मम्मी अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मेरा सब कुछ आप ही है। हाला जोए बेटा आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम हाला। वालेकुम सलाम। ऑफिस जा रहा था, सोचा आपकी तबीयत मालूम करूं, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है ठीक हूं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सोबिया बता रही थी कल तुमने उसकी बहुत मदद की। खाला कैसी बातें कर रही है, खामा खा शर्मिंदा कर रही है, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे कल आपने सोबिया जी को देखना था, बहुत ही छोटा दिल है इनका, रो रही थी बहुत। जानती हूँ मैं। अच्छा खाला मैं चलता हूँ। नाश्ता किया तुमने? नहीं खाला, ऑफिस में ही कर लूंगा। नहीं बेटा,
खाली पेट नहीं जाते दफ्तर। सुबिया तो नाश्ता बना दो। जी अभी लाती हूँ। बैठो बेटा। जी। वो तुमने अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई वगैरह सब? खाला मेरी फैमिली मुल्तान में रहती है, दो बहनें हैं और मैं अकेला। उनकी तो शादी हो गई, बस अम्मी को मेरी शादी की फिक्र लगी रहती है। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारी वालिदा ने कोई लड़की पसंद की तुम्हारे लिए? हाँ, वो मेरी खाला, मेरा मतलब है अम्मी और खाला जो है वो बहुत जोर देती रहती है ना कि मैं शादी कर लूँ, बस पीछे पड़ी रहती है मेरे। उन्होंने अब मुझ पे ही छोड़ दिया ये मामला। अरे वाह 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 वाह, जोहे बेटा बेटा। अरे खाला आप खड़ी क्यों हैं? आए ना, आए बैठे बैठे, हतिया होता मुझे आप आ रही हैं, आए बैठे। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। ये लीजिए चाय। अरे बेटा चाय की क्या जरूरत थी, मैं तो बहुत जरूरी काम से आई थी। हाँ खाला ये चाय जोहेब ने नहीं, मैंने बनाई है, हम लोग रहते साथ हैं लेकिन काम सारे मैं करता हूँ। बकवास कर रहे खाला, इसकी बातों को छोड़ें, आप मुझे बता देती कोई काम था तो मैं आ जाता, आप क्यों पर आई? बस बेटा क्या बताऊं, एक बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। तुम्हें तो मालूम है ना कि असूबिया के बारे में कितनी परेशान रहती हूँ बेटा। बीमार औरत हूँ, पता नहीं कितनी जिंदगी है कितनी नहीं है। क्या हो गया खाला, ऐसी बातें क्यों कर रही है? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। बेटा मैं बेटी की माँ हूँ, अच्छा तो नहीं लगता कहना लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। कैसे कहूँ, मैंने तुम्हारी आंखों में अपनी बेटी के लिए पसंदीदगी देखी है बेटा। अगर ऐसा है तो वालिदैन से मिलवा दो मुझे बेटा। मैं मरने से पहले अपनी बेटी का हाथ मजबूत हाथों में देके जाना चाहती हूँ। तुम्हारे वालिदैन को कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बात करता रहता हूँ आपकी और सोबिया की अपने वालिदैन से, बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं तफसीलन बात करके आपको जवाब दे दूँगा। ठीक है बेटा, वक्त ले लो तुम, इतना बड़ा बोझ हल्का कर दिया तुमने मेरे कंधों पर से, शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा मैं चलती हूँ, थैंक यू, चाय का बहुत शुक्रिया बेटा, खुदा हाफिज़। तुमने झूठ क्यों बोला खाला से, तुमने बताया क्यों नहीं, तेरा रिश्ता तय हो चुका है? अबे क्या पागल हो गया है तू, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लूँ? यार कितना कमीना इंसान है तू, इतनी सारी लड़कियां हैं तेरे पास, इसको तो छोड़ दे। हाँ छोड़ दे बेटा, ये बोलना आदिल के लिए छोड़ दे। अबे तो यही समझ ले, वैसे भी जिसे कहते हैं किस्मत, और जो मेरी किस्मत में है वो तुझे कैसे मिल सकता? ये जो तूने इतनी खिदमतें की है ना उसका सिला मिल रहा है तुझे, लगा रहे बेटा लगा रहे। भाई इसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, वैसे ताज्जुब है इतने अरसे में ये हुनर तूने नहीं सीखा मुझसे।
चाय भी ठंडी कर दी। सारा सामान जो है वो फिर एक दफा देख लो, कोई चीज अगर कम हो ना तो मुझे बता दो, मैं ले आऊंगा। ये वाला थैला भी नहीं, सब ठीक है। आप बहुत थक गए होंगे ना? हाँ, वो आज ऑफिस में काम बहुत था ना, इसलिए थक गया मैं। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं नहीं, चाय रहने दें, अब एक गिलास पानी पिला दो। ठीक है। जुहेब, आपने अपने वालदैन से हमारे बारे में बात की? हाँ, वो मैं बताना भूल गया आपको। दरअसल मेरे बड़े मामू का इंतकाल हो गया ना, तो इस वजह से, वरना इसी हफ्ते आ जाते वो, शायद अगले महीने ही आए। जुहेब, आपके वालदैन ने एक दफा भी मुझसे फोन पे बात नहीं की है, और तो और अम्मी के इंतकाल की ताजियत के लिए भी कॉल नहीं किया। दरअसल मेरा जो गाँव है ना, मुल्तान के एक छोटे से कस्बे में, तो वहाँ सिग्नल्स का बहुत इशू रहता है, बाज़ों का तो मेरी बात नहीं हो पाती, उनसे बड़ी मुश्किल हो जाती है। सोफिया, मैं क्या कह रहा था कि जब से जमीला खाना गई है तो बहुत उदास ही रहने लग गई हो, इसलिए मैं आपको कहीं घुमाने ले चलता हूँ। इसी बहाने आपका दिल भी बहल जाएगा और हम एक दूसरे को जान भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अम्मी के इंतकाल के बाद मेरा आपके साथ यूँ घूमना फिरना मुनासिब होगा। लोग भी तरह तरह की बातें बनाएंगे। ये क्या कह रही हैं आप? मुझ पे यकीन नहीं है आपको? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आप पे यकीन है, लेकिन बस आश्रय के डर से मुझे नहीं लगता कि ये बेहतर होगा। मैं पानी लाती हूँ आपके। सोबिया, अस्सलामुअलैकुम खाला। वालेकुम सलाम, तुम कौन बेटा? मैं ऊपर वाले पोर्शन पे रहता हूँ, पड़ोसी हूँ। सोबिया जी ने कुछ सामान मंगाया था तो वो देने आया। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं खाला? वालेकुम सलाम। पानी। शुक्रिया। आइए बैठिए। नहीं बेटा, मैं अपनी बेटी के घर गई भी थी, मुझे तुम्हारी अम्मी की डेथ का पता नहीं चला। अभी आई हूँ तो बड़ा दुख हुआ, सोचा तुमसे ताजियत कर कर आ जाऊँ। बहुत अफसोस हुआ बेटा, मेरा बच्चा। अल्लाह तुम्हें सब्र दे, परेशान मत हो, हिम्मत करो। अच्छा सोफिया जी, ये लीजिएगा, कोई चीज़ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। खुदा वो बेटा, ये ऊपर रहता है बच्चा जी? अच्छा, वैसे अब तो तुम अकेली हो गई होगी, माँ के जाने के बाद बहुत परेशान हो गई होगी, सारे काम खुद करने पड़ते हैं। अपनी अम्मी के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, कोई नहीं है मेरा। मुझे अंदाजा है बेटा, मालिक मकान। आई आइए आइए, अंदर आइए।
आइए बैठिए। मैं बैठने बैठने नहीं आया हूँ बीबी, बल्कि हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। अंकल, अम्मी के अचानक इंतकाल की वजह से मैं बैंक नहीं जा पा रही हूँ। मुझे पता है मुझे को किराया अदा करना है। मैं इंशाल्लाह दो दिन में आपका किराया अदा कर दूंगी। मैं किराया लेने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। शाहीन भाई, मेरे ख्याल आप ही बात कर लें तो ज्यादा बेहतर है। जी सलीम भाई, अब बात करनी पड़ेगी, इससे पहले कि पानी कहीं सर से ऊंचा ना हो जाए। क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहल्ले वालों को उस लड़के का तुम्हारे घर आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम अकेली बच्ची हो, जवान जहान हो, अब तो तुम्हारी माँ का साया भी तुम्हारे सर पर नहीं है। क्यों आता है वो लड़का बार बार तुम्हारे घर, बताओ? ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। आप जोहेब की बात कर रही हैं? हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। मोहल्ले वालों ने कई बार उसे तुम्हारे घर से निकलते हुए देखा है। हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं, थोड़ा तो लिहाज करो। ऐसे कैसे हम गैर मर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं? आपको जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। सुहेब तो अम्मी की हयात में भी यहाँ आते थे। क्या है ना कि अम्मी के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। 10 काम होते हैं, इस वजह से वो मेरी मदद करने आ जाते हैं, और कोई बात नहीं है। देखो बीबी, उस वक्त की बात कुछ और थी। उस वक्त तुम्हारी माँ जिंदा थी, अब तुम अकेली रह रही, समझ रही हो ना बात? अंकल, अंकल आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। देखो, मैं तुमसे कोई बहस करने नहीं आया हूँ। मैं अपने घर में ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझ पर मोहल्ले वालों का प्रेशर है कि मैं तुमसे ये मकान खाली करवा दूँ। तुम्हारे लिए ये ज्यादा बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो सके ये मकान खाली कर दो। मुझ पर प्लीज रहम करें, मेरा कोई नहीं है, मैं इस घर को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? ये मेरा मसला नहीं है। तुम्हारे लिए माले मकान बहुत और मेरे लिए किराएदार बहुत। हम नहीं चाहते तुम्हारी वजह से हमारे मोहल्ले में बेहयाई फैले। तुम्हारे जैसे अजीब अजीब लोग आकर हमारा मोहल्ला खराब कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। चले उरूज भाई। हाँ चले। अरे आखिर हुआ क्या है, रो क्यों रही हो तुम सोफिया, बताओ तो सही। सोफिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ है? मकान मालिक आया था, उसने घर खाली करने को कहा है। क्या मतलब घर खाली करने का कह रहे, ऐसे अचानक क्यों घर खाली करना? अचानक से नहीं, मोहल्ले वालों को आपके मेरे घर पे आने पे एतराज है। उन्होंने मेरे किरदार पे उंगली उठाई है। समझ नहीं आ रहा उन्होंने कैसे सोच लिया कि मैं ऐसी वैसी लड़की हो सकती हूँ। सारी बकवास है ये, बिल्कुल ध्यान मत देना इनकी बातों पे। इनका काम है ये सब बातें करना। फजूल की बात नहीं है, नहीं है फजूल की बात। शायद इसीलिए अम्मी चाहती थी कि उनकी जिंदगी में आप मेरा रिश्ता ले आए, ताकि मुझे जमाने की तलखियां बर्दाश्त ना करनी पड़े। अब आप चुप क्यों? जवाब दें मुझे, कब आएंगे आपके माँ बाप? अरे यार, मैंने तुम्हें बताया तो था, मेरे बड़े मामू की डेथ हो गई अचानक से, तो इस वजह से फंस गए वो लोग वहाँ पे। लेकिन मेरी अम्मी से बात हुई थी। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊंगी? मेरे सर पे तो कोई छत भी नहीं रही। अच्छा देखो, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ सोचता हूँ। कैसे टेंशन ना लो, समझ नहीं आ रहा मैं क्या। तुम मुझसे मोहब्बत तो करती हो ना? मुझे आपसे मोहब्बत है, इसीलिए आप इस वक्त मेरे घर में मौजूद हैं। तो मुझ पे यकीन रखो, मैं कुछ ना कुछ करता। यकीन तो है ना मुझ पे? यकीन है, क्योंकि मेरा इस दुनिया में आपके अलावा और कोई नहीं है। अह
अबे भाई इतनी भी क्या नाराजगी अपने भाई से यार, अल्लाह की कसम तू ना इस वक्त मुझे कोई मेरी रूठी भी महबूबा लग रहा है। और तुझे तो बड़ा एक्सपीरियंस है ना मनाने का। अबे यार छोड़ देना नाराजगी मेरे भाई, चल मैं तुझे अच्छी सी पार्टी दे दूंगा। यार तू ना इंतहाई कमीना इंसान है, तुझे जरा भी ख्याल नहीं आया हमारी दोस्ती का। मतलब इतना सब कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रहा है मेरी प्रमोशन की बात तो की भी नहीं होगी तूने। तो मुझे क्या पता भाई, मुझे मैनेजर साहब ने आज खुद ही बताया कि मेरी प्रमोशन हो गई, कुछ दिनों में ऑफिस में भी पता लग जाएगा, लेटर हेड भी आ जाएगा। अब बता तो रहा हूँ दोस्त होने के नाते, और क्या करूँ। देख मैंने तेरी बात की थी मैनेजर साहब से, अब वो खुद ही कह रहे हैं कि अब अगले साल तेरी प्रमोशन हो जाएगी। अगले साल? पूरे 12 महीने होते हैं अगले साल में। अबे भाई तो तेरी किस्मत है ना यार कि 12 महीने बाद प्रमोशन हो रही है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा सुन, तेरे लिए मैं कुछ और जरूर कर सकता हूँ। तो क्या करेगा, खाने वाले पे नहीं मानूंगा, कोई ट्रीट वीट नहीं चाहिए। मैं कोई ट्रीट नहीं दे रहा यार, बात तो सुन ले पहले, इधर आ। चल मजाक कर रहा है, हट। अबे कोई मजाक नहीं कर रहा मैं, शर्जील से मैंने फ्लैट की चाबी ले रखी है। गड़बड़ हुई तो? कोई गड़बड़ नहीं होगी भाई, पूरी प्लानिंग कर रखी। बड़ी खुशी हो रही है, प्रमोशन गई भाड़ में, फ्लैट पे चलेगा। सही बोल रहा है ना? चले? हाँ वो आदिल आ जाए ना गाड़ी लेके, फिर चलते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आज मैं आपके घर जा रही हूँ। मुझे लगता था कि आपके वालदैन को हमारे रिश्ते से एतराज़ है, इसीलिए वो मेरा रिश्ता लेके नहीं आ रहे हैं। क्या आप पागलों जैसी बातें कर रही हो, बताया तो था मैंने, अम्मी से बात की है, उन्हें पता है कि तुम आ रही हो, अब बहुत खुश हैं, इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा, चलोगी तो देख लेना। हम वहाँ जाते ही शादी कर लेंगे। ठीक है, तुम हर वक्त शादी की रट लगाती रहती हो। मेरा मतलब है इतनी जल्दी नहीं करेंगे ना, मेरी अम्मी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि बहुत धूमधाम से करेंगे शादी, तुम एक दफ़ा वहाँ चल लो, तुम्हारा रहन सहन देख लो, कुछ वक्त साथ गुजार लो फैमिली के, और मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्दी घुल मिल जाओगे। सच कहूँ तो मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगता था कि मेरी शादी नहीं होगी, लेकिन आपका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है कि अम्मी की ज़िंदगी में भी आपने मेरा साथ दिया और अब उनके जाने के बाद भी मेरे साथ है। क्या गैरों वाली बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ मर गया ये पता नहीं, अभी तक आया ही नहीं, फ़ोन कर लेता हूँ उसको। अरे आ गया? हाँ वो गाड़ी आ गई। आ गई है गाड़ी, चल। आजा आजा। सुहेब आपने मुझे कहाँ ले आए हैं, ये आपका घर है? नहीं ये मेरे दोस्त का फ्लैट है, असल में वो रास्ता लंबा है ना तो इसलिए गाड़ी गर्म हो गई थी, थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे फिर खाना खा के निकल जाएंगे। क्या हुआ, परेशान क्यों हो गई उतना, मैंने कहा ना कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम अंदर चली जाओ आराम से, जाके फ्रेश हो जाओ, खाना खा के निकलते हैं, मैं खाना ले आता। कैसा यार तू ठीक नहीं कर रहा है? क्या ठीक ठीक नहीं मेरे भाई, तू आम खा, पेड़ मत गिन, खाना लेकर आता हूँ। मैं
जुहेब, जुहेब जी फरमाइए, कुछ चाहिए क्या? जी मुझे जायनमाज चाहिए थी। क्या? मुझे जायनमाज चाहिए थी, नमाज पढ़नी है मुझे। अम्मी हमेशा कहती थी, चाहे खुशी मिले या गम, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने मेरी इतनी बड़ी परेशानी हल कर दी। सुहेब मुझे अपने घर लेके जा रहे हैं, मेरी शादी हो जाएगी, मेरा अपना घर होगा। इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात हो सकती है? अम्मी हमेशा कहती थी, इंसान की नेकी कभी रायगा नहीं जाती, अल्लाह उसका अजर ज़रूर देता है। और अब देखो ना, मुझे भी अल्लाह ने अजर दे दिया। किसी ने सही कहा है, इंसान जो होता है वही काटता है। सोबिया कितना यकीन करती है जुहेब पे, और जुहेब वो उसके साथ क्या करने जा रहा है? क्या मुझे सब कुछ बता देना चाहिए सोबिया को? सोहेब कहाँ है? वो तो खाना लेने गया था ना, बस आता होगा। मैं जानमाज ढूंढता हूँ, होगी यही हो। किसका फोन आ गया? तो मैनेजर साहब। हेलो सर, क्या सर ये क्या बोल रहे हैं आप? अभी तो प्रमोशन हुई थी मेरी। नहीं सर, सर नाजिश ने आपसे झूठ बोला है सर, मैंने उसके साथ नहीं सर, मेरी बात सुन लें सर, इत्मीनान से मेरी बात सुन। हेलो सर, और नजर वजर क्या होता है भाई? जो तू करना चाह रहा था ना, वो उल्टा तेरे सामने आ गया है। ये अल्लाह की दीवी मार है और कुछ नहीं है। देख यार, मेरी बात मान, तू जाके उसे सब कुछ सच सच बता दे। तू उसको बता दे तू उससे मोहब्बत नहीं करता है, और माफी मांग ले उससे। यार वो बहुत ही पाकीजा लड़की है, वो तुझे माफ कर देगी। तू हाथ थाम ले उसका। देख, तू उसके साथ बुरा करना चाह रहा था ना, कुदरत ने तेरे साथ क्या किया है? तेरी नौकरी भी गई और तेरा एक्सीडेंट भी हो गया। अबे मरते मरते बचा है तू, कुदरत ने एक और मौका दिया है तुझे, अवेल कर ले। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली, आदिल ने मुझे सब बता दिया। सब कुछ क्यों किया तुमने मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा, वो सारी अच्छाइयां, मोहब्बत के दावे, शादी के वादे, वो सब एक झूठ था। तुमने समझा कि मैं अकेली हूं, बेबस हूं, तो मेरा फायदा उठा सकते हो। लेकिन तुम ये भूल गए थे कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, और जब वो पड़ती है ना
तो इंसान की कसबल निकाल देती है। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझे, मुझे एहसास नहीं हुआ, भूल गया था इंसान का दूसरा रूप भी होता है जिसे मकफात अमल कहते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। अब जब मुझे सब कुछ पता चल गया है तो मैं तुम्हें माफ कर दूं। अगर मुझे पता नहीं चलता तो तुम जाने मेरे साथ क्या खेल खेल जाते। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांग रहा हूं, प्लीज मुझे माफ कर। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूं, क्योंकि माफ करना मेरे रब को पसंद है। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सोबिया, सुहेब बहुत ही बदकिस्मत है जो तुम जैसी अच्छी लड़की को छोड़ दिया इसने। वैसे इस काबिल तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो हम आज, बल्कि अभी निकाह कर सकते हैं।